बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ओरिजिनल बेकिंग एंड कुकिंग ऑन यूट्यूब। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी। कैबेज और चिकन के रोल बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। एक छोटी बंद गोभी मैंने ली थी, इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है रफली। और एक चिकन का ब्रेस्ट लिया था, इसको बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया है। 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, सिरका लेंगे हम 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है काली मिर्चें पीसी हुई, 1 टीस्पून जितना है नमक, और हसबे ज़रूरत हमें चाहिए रोल पट्टी। रोल पट्टी मैंने आपको बनानी सिखाई है, इसकी वीडियो आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो एक पैन ले लिया मैंने, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें ऐड कर दूंगी मैं चिकन, और साथ ही इसके जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूंगी, काली मिर्चें, नमक और ये लाल मिर्चें, इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जो सॉस है वो भी मैं इसमें एक एक करके ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारे जो स्पाइसेस हैं और सॉस मैंने डाल के इस तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी गोभी, बंद गोभी, ये भी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको 1-2 मिनट कुक करेंगे और फिलिंग जो है हमारी रेडी है। तो ये देखिए फिलिंग रेडी हो गई है हमारी। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी ताकि फिलिंग ठंडी हो जाए, फिर हम इसके रोल बनाएं। देखिए फिलिंग मैंने निकाल ली अलग बाउल में, ठंडी हो जाएगी। और ये मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून जितना मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो इसकी जो है पेस्ट बन जाए रोल को चिपकाने के लिए। तो देखिए रोल की पट्टी इस तरह हम लेंगे, इसमें फिलिंग रखेंगे। इसकी जो रोल की जो पट्टी है वो चौरस भी मिलती हैं, तो इस तरह भी बेस्ट रहती हैं, ये मिनी रोल बन जाएंगे। तो फिलिंग रख दें इस तरीके से, इसको यहाँ से उठा के ऐसे करेंगे और फोल्ड कर लेंगे। इसको हम इधर लगाएंगे, इसका हम पेस्ट जो बनाया था ताकि ये चिपक जाए, खुले ना। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ये देखें इस तरह मैं सारे रोल बना लूँगी। बना लिए, बाकी जो रोल है वो मैं फ्रीज कर लूंगी, ये 1 हफ्ते तक ठीक रहते हैं फ्रीजर में। अब इसको हम कर लेते हैं फ्राई। तो एक पैन ले लिया मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो गया, बहुत ज्यादा ऑयल को हमने गरम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। अभी एक एक करके इसमें रोल डाल दें। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए रोल जो है फ्राई होने, एक साइड से फ्राई हो गए हैं और इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये देखिए रोल जो है वो सारे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इससे डार्क इसका कलर ना कीजिएगा, ये इतने ही कलर इसका देखें अच्छा लगता है दोनों साइड से। अब ये मैं सारे निकाल लूंगी, सारे रोल फ्राई होकर मैंने निकाल लिए हैं, और ये केचप और चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और होममेड रोल पट्टी भी देखें, इतनी इजी, आप मेरी वीडियोस में जाके देखें,
सारे मैं निकाल लूंगी। ये देखें तैयार है हमारे मज़ेदार से कैबेज और चिकन के रोल, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और रेसिपी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।